Lascia che quell'aria di te stato il destino a trovare la fine. हाँ तो सुबह इधर ईद है और सुबह 7 बजे ईद की नमाज होनी है, तो मैं अभी घर पहुंचा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, तो 6 बजे का अलार्म लगा के सोता हूँ, सुबह मिलते हैं। तो मैं अभी नहा के निकला हूँ, एज ऑलवेज उठते उठते थोड़ी देर होगी, तो अब बस कंघी वगैरह करके शूज़ वगैरह पहन के इरफान भाई अब नहा रहे हैं, उनका वेट करूंगा और फिर फौरन निकलेंगे नमाज के लिए। ऑल थैंक्स टू अरसलान भाई जिन्होंने ये खीर बनाई, आपसे उनको मिलवाऊंगा लेटर इन द वीडियो। तो मेरे साथ इरफान भाई हैं, हम नमाज के लिए जा रहे हैं। इरफान भाई आप तो काफी सालों से हैं इधर, 2018 से? हाँ 2018 से। तो आपने तो बहुत ईदें गुजारी हैं, तो क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस फील होता है पाकिस्तान की ईद में और यहाँ की ईद में? यार यहाँ की ईद बस नमाज के लिए जाते हैं, बस नमाज तक ही यहाँ की ईद होती है, क्योंकि पाकिस्तान से तो वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में दोस्त होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ईद के बाद फैमिलीज अपने घर वालों के पास जाना, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के पास जाना, इनको ईद मुबारक मुबारकबाद दे देना, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। भाई ने खीर बनाई, ये मिली है इरफान भाई से, इरफान भाई बहुत मजे की खीर थी। तो आप को तो काफी साल हो गए इधर, आपकी ये कितनी ईद है? मेरी तकरीबन यहाँ पे मुझे तो 4-4.5 साल हो गए यहाँ पे यूरोप में, और ईद में ऑलमोस्ट मेरी हर साल की अगर दो भी हो तो ये छठी ईद मेरी यहाँ पे, एक कोविड में मैं पाकिस्तान में था और अभी ऑलमोस्ट मेरी ये छठी ईद यहाँ पे है। तो क्या डिफरेंस होता है पाकिस्तान की ईद के साथ? यार नो डाउट ईद तो बहुत सारा फर्क होता है, वहाँ पे आप फैमिली के साथ होते हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। सुबह से ईद शुरू होती है तो वो 3 दिन तक चलती है। यहाँ पे ईद ऐसी होती है कि बस सुबह को आप गए, अगर लकीली अगर कोई मस्जिद है या स्पेशली पाकिस्तानी मस्जिद है, कम्युनिटी है, तो चलो आपको मुलाकात हो जाती है, बस सुबह से शुरू होती है, नमाज के बाद आपकी यहाँ पे ईद खत्म हो जाती है। मोस्टली लोग जाते हैं घूमने वगैरह, लेकिन जो वाइब्स पाकिस्तान में होती हैं वो उस तरह का यहाँ पे नहीं होता कुछ भी। ईद स्पेशल बिरयानी बनाई है अरसलान भाई ने, ये हमारे कुक हैं बहुत अच्छे, थैंक यू अरसलान भाई अगेन। हेलो, मैं भी सुबह से घर ही बैठा हुआ था, तो सोचा ईद वाले दिन कुछ तो स्पेशल करना बनता, तो दोस्त को बोला कि कोमो चलते हैं, तो वो कहता ठीक है। अब वो भी आ रहा है स्टेशन पे, मैं भी जा रहा हूँ स्टेशन पे, तो अब कोमो पहुँच के आपको सीन्स दिखाते हैं। We have almost reached. स्टेशन पे पहुंच गए हैं, अब हम बस पे बैठ के मेन पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो बस सीन्स आर नियर। हाँ तो आपका भी ये सेकंड टाइम है ना कोमो में? जी जी, मेरा भी ये सेकंड टाइम है, लास्ट टाइम भी मैं इन्हीं दिनों में आया था, बल्कि बड़ी ईद पे, बड़ी ईद पे पहले दिन ही आया था, आज भी बड़ी ईद पे पहले दिन ही आया, लास्ट टाइम कोई और दोस्त था, आज शहरोज भाई है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम भी शायद इसी मतलब ईद गुजरनी है। तो मैं लास्ट टाइम आया था जून में, तब अच्छा। मैं वैसे पिज़्ज़ा होता था, मैं दोस्तों के साथ आया था, मिलोनिया के दोस्त थे, तो मिलान में जब से आया हूँ, हालांकि 7-8 महीने हो गए मिलान आए हुए, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जब ऐसी जगह आपके करीब हो तो आपको उतनी वैल्यू नहीं रहती कि आपको था ये पास ही में तो है, घंटा लगाएगा या आधा घंटा लगाएगा तो पहुँच जाएगा, वो इतना इशू नहीं होगा। Yeah.
तो फोटो शूट भी हो गया, वो पीछे वाले बॉयज़ के साथ फुटबॉल भी खेल लिया। तो अब बस सनसेट हो रहा है तो उसे थोड़ा एंजॉय करके निकलते हैं। सनसेट सीन्स तो अब हम वापस जा रहे हैं। इट वॉज टोटली वर्थ इट कमिंग हियर। क्यों भाई अरसलान भाई? क्योंकि मेन तो हमारा एम था कि सनसेट दिखेंगे, तो वो तो हमने कैप्चर कर लिया और काफ़ी अच्छी अच्छी हमने शूट वगैरह भी कर लिए। बाकी आप कुछ लोगों ने देखा ही है, कुछ आप लोग इस वीडियो में भी देख चुके हैं। तो होप आज के लिए इतना ही है। खुद ही कॉमेंट्स में बताएं कैसा लगा कोमो और कौन कौन कोमो आना चाहता है। वो हाथ उठाए कॉमेंट में। All the best with all your dreams, guys. Thank you for watching the video. तो पहले भी मैं दो ईद्स इधर गुजार चुका हूँ, पर तब मैं सिंगल रूम में होता था पिज़्ज़ा में, तब वो फीलिंग ही नहीं थी आती। इस ईद में थोड़े दोस्त थे साथ तो मज़ा आया, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो see you in the next video. अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।